रेफरल अस्पताल का किया निरीक्षण। रेफरल अस्पताल अमरपुर का बिहार सरकार के क्षेत्रीय अपर निर्देशक भागलपुर प्रमंडल के द्वारा जांच किया गया। जांच कर रहे पदाधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ऑपरेशन थिएटर के सभी रूम को जांच किया गया। जांच के दौरान प्रसव कक्ष को भी जांच किया गया। जांच के समय रेफरल अस्पताल के मैनेजर सुनील कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार, स्वास्थ्य कर्मी अभिषेक कुमार एवं अनेक स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। अपने काम में दक्ष होने के साथ यहाँ के लोग शारीरिक मेहनत करते भी नहीं थकते। खेल कर देश के लिए मेडल लाना हो या फिर पढ़कर देश सेवा करनी हो, बिहार वासियों ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। पिछले हफ्ते गुजरात के बड़ौदा में आयोजित नेशनल ओपन मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में बिहार के भागलपुर जिला के मिताली तिवारी ने 2000 व 1500 मीटर रेस में एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल पर अपना कब्जा जमाया। इससे पहले वे मिताली ने अन्य कई मैराथन में अपना परचम लहराया है। वहीं मिताली ने बताया कि उन्होंने 40 से 45 वर्षीय महिला वर्ग के प्रतियोगिता में पदक जीता। वो देश के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड लाना चाहती है, जिसके लिए उनकी तैयारी जारी है। बता दें कि मिताली एक एथलीट के साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। उनके पति डॉक्टर बीएन तिवारी दिल्ली में स्थित रेलवे अस्पताल में सीनियर सर्जन है और दोनों मिलकर बिहार के युवाओं एवं महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मैराथन दौड़ते हैं। मैं मैराथन को लेकर तैयारी बहुत पहले से ही कर रही थी। एक्चुअली स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मेरा मन हमेशा से लगा किया है। मैं जब स्कूल में थी तब भी मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी और कुछ ना कुछ मैं लेके आती थी प्राइज। ये बचपन से मेरी आदत है और मुझे लगता था कि कोई भी पार्ट मुझसे छूट ना जाए। जबलिंग थ्रो भी किया था मैंने स्कूल में, शॉर्ट पुट किया था और 100 मीटर रेस, और हर किसी क्षेत्र में मैं कुछ ना कुछ प्राइज फर्स्ट सेकंड थर्ड लेके ही आती थी। और फिर बड़ी हुई, कॉलेज में तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर था। फिर घर से भी इतना अलाउ नहीं था। फिर शादी हुई मेरी, शादी के बाद मैंने अपने आप को, और मैं फिटनेस फ्रीक हमेशा रही हूँ कि मेरे हाइट और एज के हिसाब से मेरा वो रहना चाहिए, वेट होना चाहिए। तो वो चीज़ मेरे हमेशा दिमाग में रहता था और मैं उसको लेकर के बहुत कॉन्शियस रहती थी, खाने पीने में भी प्लस एक्टिविटी करने में। शादी के बाद मैं इस चीज़ को थोड़ा और बढ़ावा लेने लगी और धीरे धीरे ये बढ़ता गया और मैं मैराथन और छोटे छोटे 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर का भी तय सफ़र किया है मैराथन करके। और अब मेरा जो है इस ओर ध्यान जा रहा है कि जब मैं इतना कुछ कर रही हूँ तो छोटा मोटा चीज़ भी तो कर ही सकती हूँ। जैसे शॉर्ट रन है और उसको नेशनल स्टेट लेवल पे मैंने किया, फिर अभी नेशनल लेवल पे करके आई हूँ। अब मेरा आगे का वही है कि इंटरनेशनल लेवल पे जाऊँ। निर्देशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बांका द्वारा बताया गया कि बांका जिला में जिला पदाधिकारी के द्वारा लगातार सतत पर्यवेक्षण एवं निर्देश तथा उप विकास आयुक्त बांका के द्वारा लगातार प्रखंड स्तरीय कर्मियों के साथ बैठक किए जाने के पश्चात बांका जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना 2012-13 एवं 2015-16 के लंबित इंदिरा आवास योजना को पूर्ण कराने में काफी तेजी आई है। इधर मात्र 15 दिनों में पूर्व के लंबित इंदिरा आवास, जिनकी संख्या लगभग 7000 थी, उसमें से लगभग 1300 आवास पूर्ण कराए गए हैं। उसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल स्वीकृत आवास 1,01,184 के विरुद्ध अब मात्र 4,435 आवास ही पूर्ण किए जाने हेतु लंबित रह गए, जिसे 15 दिनों के अंदर पूर्ण कराने का निर्देश जिला पदाधिकारी बांका के द्वारा दिया गया। इसी प्रकार 2021-22 के लिए आवास प्लस योजना में कुल लक्ष्य 10,873 के विरुद्ध तेजी से प्रगति लाते हुए 1,637 आवास पूर्ण कराए लिए। इसी प्रकार 2021-22 के लिए आवास प्लस योजना में कुल लक्ष्य 10,873 के विरुद्ध तेजी से प्रगति लाते हुए 1,637 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। इसी प्रकार बांका जिला को मनरेगा अमृत महोत्सव योजना के अंतर्गत कुल 75 तालाब के निर्माण एवं जीर्णोद्वार का लक्ष्य दिया गया था, जिनमें बांका जिला में 80 तालाबों को अमृत सरोवर योजना अंतर्गत चयनित किया गया है, जिसमें 40 तालाबों के जीर्णोद्वार एवं निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है,
जिला पदाधिकारी के द्वारा 3 दिनों के अंदर अमृत सरोवर योजना अंतर्गत सभी तालाबों का निर्माण प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया है। श्रावणी मेला 2022 के सफल संचालन हेतु दिनांक 23/6/2022 को आयुक्त भागलपुर प्रमंडल भागलपुर महोदय द्वारा श्रावणी मेला 2022 की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया जाना है। इसके अंतर्गत संपूर्ण कांवरिया पथ का दुम्मा बॉर्डर से आरंभ कर अब तक हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा और स्थलीय निरीक्षण किया जाना है। इसी के मद्देनजर उप विकास आयुक्त बांका द्वारा अद्यतन तैयारी की हाल जानने हेतु कांवरिया पथ हड़खार गोड़ियारी धर्मशाला का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में कार्यपालक अभियंता पद प्रमंडल बांका द्वारा विभागीय निर्देशों एवं मानक प्राकलन के अनुरूप गुणवत्ता एवं विशिष्टता का भी निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा कांवरिया पथ में पड़ने वाले सभी पुल पुलिया सब वे साइनेज किलोमीटर पोस्ट की मरम्मति, इसके अलावा कटाव स्थल पर कटाव निरोधी कार्य का निरीक्षण किया गया एवं शेष कार्य को पूरा कराने का निर्देश दिया गया। सार्वजनिक कांवरिया धर्मशाला जिलेबिया मोड़ में स्थित धर्मशाला में फर्श पर टाइल्स बिछवाने का कार्य कहाँ तक पूरा किया गया, कार्यपालक अभियंता PHED द्वारा अब तक कराए गए पूरे कार्यों का निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में शेष बचे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के क्रम में उप विकास आयुक्त बांका द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को कहा गया कि श्रद्धालुओं के प्रति सौजन्यता, कांवरियों की सुरक्षा स्वच्छता एवं आवश्यक सुविधा प्रदान करना बांका जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी। इसीलिए सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि श्रावणी मेला के अवसर पर अपने अपने विभागीय कार्यों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक करते हुए श्रावणी मेला 2022 प्रारंभ होने के पूर्व सभी कार्यों को पूरा कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि कांवरियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। रोज 35,000 के अंडे बेच अपनी किस्मत सवार रही रेखा सोरेन की मुलाकात आज जिला पदाधिकारी बांका से उनके कार्यालय वैसम में हुई। जिला पदाधिकारी बांका को उद्यमी सोरेन ने बताया कि उन्होंने न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया बल्कि योजनाओं की राशि को तय मापदंड के अनुसार व्यय कर आज जिले का सबसे बड़ा लेयर मुर्गी फार्मिंग का उद्योग भी स्थापित कर लिया है। रेखा सोरेन द्वारा बताया गया कि केवल मुर्गी का अंडा थोक मात्रा में सप्लाई कर प्रतिदिन 20,000 से 25,000 रुपए का बिक्री कर लेती है। इसमें खर्च काट कर 11,000 से 14,000 रुपए प्रतिदिन कमा रही है। रेखा सोरेन का भारत सरकार के पशुपालन विभाग व CIC के तहत समेकित मुर्गी पालन के तहत इस स्वरोजगार के लिए वर्ष 2016 में शुरू किया गया। इस योजना के तहत रेखा सोरेन को भारत सरकार की ओर से सहायता मिला। उद्यमी की इस कामयाबी के बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वह जिले में सम्मानित भी हो चुकी है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में 1 जून 2022 को आयोजित PM स्टार्टअप के 75 महिला उद्यमी में भी वह शामिल थी। जिला पदाधिकारी बांका द्वारा उस क्षेत्र में और लोगों को जुड़ने की बात कही गई, जिससे जुड़कर अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने आदिवासी बहुल क्षेत्र में रह रहे लोगों से बात कर कोई भी कार्य करने के लिए तैयार होने पर जिला प्रशासन उनको हर तरह से मदद के लिए तत्पर रहेगा। रेखा सोरेन द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह अपने क्षेत्र के लोगों से बात कर आगे बढ़ने की बात कही। समरणाली के मिनी सभागार में जिला पदाधिकारी बांका की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति, जिला स्तरीय RCT परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक आहूत की गई। बैठक में निर्देशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बांका, वरीय उपसमाहर्ता बैंकिंग, अग्रणी जिला प्रबंधक निर्देशक RCT, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बांका, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत अमरपुर, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक एवं अन्य सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे। बैठक में वार्षिक साख योजना नम्र प्रदर्शन करने वाले बैंकों को प्रगति हेतु निर्देशित किया गया और साख ऋण अनुपात CD रेशियो को कम से कम 50% करने का निर्देश दिया गया। बैठक में PMEGP बैंकर मुद्रा योजना, मत्स्य पालन, कृषि, गव्य विकास, UCO-RCT इत्यादि ऋण योजनाओं से संबंधित आवेदनों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि रोस्टर के अनुसार सभी आवेदनों का निष्पक्ष जांच कर निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत 10,000 का ऋण स्किल्ड वेंडर को दिया जाता है, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत आवेदनों की जांच कर बैंक को भेजते हैं। इस योजना में 100% आवेदनों का निष्पादन 10 जुलाई तक करने का निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया।
जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि तालाब या पोखर का पट्टा समाप्त होने की वजह से ऋण स्वीकृत करने में बैंकों को असुविधा हो रही है। इसी माह निविदा निकलने वाला है, पट्टा होने के बाद पुनः ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा। निर्देशक RCT द्वारा बताया गया कि विभिन्न बैंक शाखाओं में प्रशिक्षित लाभुकों के ऋण का आवेदन लंबित है, जिसके निष्पादन के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्देशक RCT और अग्रणी जिला प्रबंधक आपस में समन्वय स्थापित कर रोस्टर के अनुरूप संयुक्त जांच कर ऋण आवेदनों का 10 जुलाई तक निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। जीविका के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि बांका जिला के RCT में आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के कारण बगल के जिला से प्रशिक्षण कराया जाता है, जिससे वित्तीय बोझ बढ़ता है। RCT के निर्देशक को निर्देशित किया गया कि वे अविलंब जिला प्रशासन से संपर्क स्थापित कर 2 वार्डन एवं 1 नाइट गार्ड की प्रतिनियुक्ति कराकर छात्रावास में आवासीय प्रशिक्षण 1 सप्ताह के अंदर शुरू कराने का निर्देश दिया गया। जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि नाबार्ड द्वारा संचालित कृषि से संबंधित योजनाओं का विवरण 2 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी महोदय के पास प्रस्तुत करेंगे। ग्राहक सेवा केंद्र के लिए सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे कार्यशील एवं निष्क्रिय तथा प्रस्तावित ग्राहक सेवा केंद्रों की सूची जहां आवश्यकता हो आज शाम तक जिला बैंकिंग को प्रतिवेदित करेंगे। सभी योजनाओं से लंबित ऋण आवेदनों का निष्पादन निर्धारित तिथि तक करना सुनिश्चित करेंगे।